अरे अर्चना, कहाँ हो? मुझे देरी हो रही है, काम पर जाने की जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? माम पिताजी को जल्दी है लोगों की मदद करने की, इसलिए जल्दी बाजी में है। हाँ हाँ, घर वाले मरे चाहे जिए, इससे क्या फर्क पड़ता है इन्हें? घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। इनके भोलेपन का फायदा सब बड़े चाव से उठाते हैं और इन्हें समझ में भी नहीं आता। रेखा, तेरी जुबान बहुत कैची की तरह चलने लगी है, जा जाकर घर के कामकाज सीख तू। अरे सही ही तो कह रही है मेरी बेटी, तुम दिन भर कमाते हो और लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं या तुम खुद ही उठा लेते हो। ऐसी बात नहीं है कुंती, दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला करने के लिए ऊपर वाला है ना, वह सब देखता है। हाँ तो आज अपने ऊपर वाले से ही राशन पानी मांग लेना, अगर कमा के नहीं लाए तो। ठीक है ले आऊंगा, लेकिन अब भगवान को कोसना बंद करो तुम। सुरेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी रेखा के साथ काशीपुर गांव में रहता था। सुरेश बहुत ही दयालु था। जब कभी कोई उससे मदद की गुहार लगाता तो वह बिना कुछ सोचे उसकी मदद कर दिया करता था। वह यह तक भी नहीं सोचता था कि घर में उसके परिवार वाले भी उससे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुरेश का मानना था कि अगर वह दूसरों की मदद करता है तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करेगा। अर्चना की बकबक तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आज मुझे कैसे भी पैसे बचाकर ले जाने पड़ेंगे। पहले जाकर जमींदार के खेतों में काम कराता हूँ, फिर बाद में बाकी का देखेंगे। अरे जमींदार बाबू, आज कौन सा खेत बुआई के लिए तैयार करना है? तुम ऐसा करो सुरेश, आज हमारे पूर्व वाले खेतों को तैयार कर दो और कल आकर उसमें बुआई कर देना। ठीक है जमींदार बाबू, पर क्या आज की मजदूरी मुझे आज ही मिल जाएगी? हाँ हाँ सुरेश, आज की मजदूरी मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा। अब खेत में जाकर काम करो, मैं वही पैसे लेकर आता हूँ। सुरेश जमींदार के खेतों में जाकर काम शुरू कर देता है और करीब 2 से 3 घंटों में पूरा खेत तैयार कर देता है। आज सारे पैसे बचाकर घर ले जाऊंगा और अर्चना को दे दूंगा ताकि वह महीने भर का राशन ला सके। अरे वाह सुरेश, तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, तुमने इतनी जल्दी काम निपटा दिया। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार बाबू, कल आकर खेत की बुआई कर दूंगा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सुरेश, कल जल्दी आकर बुआई कर देना, मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव में सबसे पहले मेरे खेत की बुआई हो जाए। आप चिंता मत करिए जमींदार बाबू, ऐसा ही होगा। अब सुरेश भानु के खेतों में जाता है। भानु भाइया, अरे ओ भानु भाइया, कहो तो कुछ मदद कर दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं सुरेश, आ जाओ और मेरे खेत तैयार कर दो, बदले में मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। बहुत देर से काम कर रहा हूँ पर ये काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ हाँ भानु भाइया, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ आपके साथ। सुरेश भानु के साथ मिलकर उसका काम कराने लगता है और कुछ ही घंटों में भानु का खेत भी तैयार हो जाता है। भाई मानना पड़ेगा सुरेश, तुम मेहनती हो। मेहनत करता हूँ तभी तो दूसरों की मदद कर पाता हूँ ना भानु भाइया। हाँ हाँ भाई, तुम्हारे चर्चे सुने हैं मैंने पूरे गांव में, पर सुरेश थोड़ा बहुत बचा कर रखना सीख लो, आगे काम आएगा। क्या बचा कर रखना भानु भाइया? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? आगे का सब ऊपर वाला देखेगा। अच्छा भानु भाइया, अब मैं चलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुरेश ने आज 2 जगह से मजदूरी कमाई थी और आज उसकी 2 गुनी आमदनी हुई थी। आज दिखाता हूँ अर्चना को कि मैं कितना कमा सकता। बेटा, ओ बेटा, कुछ खाने की मदद कर दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा खाना तो नहीं है मेरे पास, तुम चाहो तो मेरे घर चल के खा सकती हो। नहीं बेटा, इतनी दूर तो मुझसे नहीं चला जाएगा, कुछ पैसे का ही मदद कर दे, पास के दुकान से ही कुछ खा लूँगी। अगर पैसे दे दिए तो आज फिर पैसे कम पड़ जाएंगे, क्या करूँ? क्या सोच रहा है बेटा, कोई बात नहीं, अगर नहीं दे सकता तो मैं जाती हूँ। अरे रुको रुको अम्मा, मैं देता हूँ न पैसे, ये लो और जाकर कुछ खा लो। भगवान तेरा भला करे बेटा, तो झुक झुक जिए। फिर सुरेश वहाँ से घर के लिए चल देता है, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिलता है। अरे सुरेश भाई, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। अरे मैं तो रोज ही मिलता हूँ मोहन, इसमें नई बात क्या है? और तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? क्या बताऊँ सुरेश भाई, छुटकी की तबीयत बहुत खराब है, अगर फौरन इलाज नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी। अरे तो भाई जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाना, उसे इलाज की जरूरत है, इसमें इतना देरी क्यों कर रहा है तू?
अरे सुरेश भाई, अस्पताल में पैसे भी तो लगेंगे ना, लेकिन मेरे पास तो एक पूरी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। पूरी मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अब इसके पास भी पैसे नहीं हैं, अगर ये पैसे मैंने इसे दे दिए तो दे ही देता हूँ। पैसे ये लो मोहन, पैसे और जाकर छुटकी का इलाज करा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे मोहन, छुटकी मेरी भी बेटी जैसी है, ये पैसे वैसे तो आते जाते रहेंगे, पहले तो अस्पताल में छुटकी का अच्छे से इलाज करा। सुरेश ने दिन भर की कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा आज भी दे दिया था। बालक कुछ विच्छा दे दे, तेरा कल्याण होगा। कल्याण का तो पता नहीं पंडित जी, लेकिन आज सत्यानाश जरूर हो जाएगा। ये लो, आप भी ले लीजिए। क्या सोच रहा है बालक, विच्छा देनी है या नहीं? हाँ हाँ पंडित जी, देनी है न विच्छा, ये लीजिए। तेरा कल्याण हो बालक। अर्चना सही कहती है, मैं हमेशा दूसरों की भलाई में अपना नुकसान कर बैठता हूँ। आज भी मेरे पास पैसे नहीं बचे। अब घर जाकर अर्चना की चार बातें सुननी पड़ेंगी। सुरेश घर पहुंचता है और देखता है कि घर में पहले से ही राशन भरा पड़ा है। अर्चना, इतना सारा राशन हमारे घर कहाँ से आया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो भिजवाया है ये अपने दोस्त से। ये बात तुमसे किसने कही कि ये राशन मैंने भिजवाया है? आपके दोस्त ने जो ये सब राशन लेकर आया था। फिर अर्चना ने जो सब भी हुआ था वो सब बातें सुरेश को बताई। अर्चना भाभी, ओ अर्चना भाभी। कौन हो भाई तुम और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाभी जी, ये सब सामान सुरेश भाई ने भिजवाया है, उनको कुछ काम था तो ये सब सामान मेरे हाथों भिजवा दिया। अर्चना, पर मैंने ये सामान नहीं भिजवाया। आज की सारी कमाई तो मेरी दूसरों की मदद में चली गई। मैं भला कैसे इतना सारा सामान भिजवा सकता हूँ? सच में अगर आपने ये सामान नहीं भिजवाया तो किसने ये सामान भिजवाया? अर्चना, मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली नेकी का बदला नेकी से दिया है। हमें दूसरों की भलाई करने पर भगवान ने हमारी भलाई की, इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। और दोस्तों, आप भलाई करो, आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी।